मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट को देखकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक जानकार भी हैरान रह गए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक के नाम हैं। पार्टी ने दिग्गजों की फौज को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। इनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, इनमें से 36 सीटों पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली थी। इनमें मेहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम हैं। इनमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करेरा से रमेश खटीक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल से विश्वामित्र पाठक, जुन्नारदेव से नथन शाह, खिलचीपुर से हजारी लाल दांगी, थांदला से कल सिंह भावर, देपालपुर से मनोज पटेल और सैलाना से संगीता चारेल का नाम है। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ राधौगढ़ में बीजेपी ने हीरेन सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता मूल सिंह विधायक रह चुके हैं। हीरेंद्र भी दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं। 1.5 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। अभी राधौगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस से विधायक हैं। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की ये सूची बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर है। बता दें कि 17 अगस्त को बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस चुनाव के लिए अब तक बीजेपी 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। एमपी में विधानसभा चुनाव की कुल 230 सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। उस वक्त कांग्रेस ने कुछ पार्टियों को साथ लेकर अपनी सरकार बनाई थी और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। करीब 15 महीने बाद ये सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी।